ओपी राजभर पर भी अब निशाना साधा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर के तमाम दावों की पोल खुल गई है, तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। जीत का जश्न एसपी की खेमे में देखने को मिला। ओपी राजभर के तमाम दावों की पोल खुली है, एसपी की तरफ से बड़ी बात कही जा रही है। कोसी उपचुनाव जीते हैं सुधाकर सिंह और बड़े मार्जिन से जीते हैं। दारा सिंह चौहान को इस उपचुनाव में हार मिली है, तो बड़ी खबर राजभर ने किया था दारा सिंह चौहान की जीत का दावा, लेकिन इसके बावजूद भी इन दावों को कोई तवज्जो नहीं मिली। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सैयद उवैस अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उवैस, देखिए जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है, पहले सुधाकर सिंह जीतते, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं एसपी की तरफ से सामने आने लगी है। सीधे तौर पर ओपी राजभर को आड़े हाथों लिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, ओपी राजभर जो हैं, जितने बड़े उनके दावे थे वो सारे फेल हो गए हैं। ये हार जो हुई है दारा सिंह की नहीं बल्कि ओपी राजभर की हुई है। ओपी राजभर के जितने बड़े दावे थे सब खोखले निकल गए। वो अपना वोट नहीं जुटा पाए, तो साथ ही साथ में जो दलित वोट था वो भी उन नहीं दिला पाए, क्योंकि निषाद पार्टी के संजय निषाद और ओपी राजभर ने जितने बड़े पैमाने पर दावे किए थे वो सब खोखले हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान की लगातार जो हार का कारण बना है वो वहां के लोकल के कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी का कार्यकर्ता हैं। जो उनकी नाराजगी का पैमाना था वो काफी वहां पर बड़ा था, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे उनकी नाराजगी ये थी कि लगातार उनका पार्टी का बदलना और पार्टी के अंदर फेरबदल हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण उनको ले डूबा है। तो वहीं जहां बीजेपी की यह हार मानी जा रही है, आप देखिएगा कि इंडिया और एनडीए के गठबंधन के ऊपर अगर भारी पड़ता नजर आया तो इंडिया यहां पर जो है भारी पड़ गया है, क्योंकि ओपी राजभर का जो पैमाना था, जितने बड़े उनके दावे थे वो सारे खोखले हुए हैं। जिस तरह से ओपी राजभर ने कहा था कि ये चुनाव दारा सिंह नहीं लड़ रहे हैं बल्कि ये चुनाव मैं खुद लड़ रहा हूं, आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर ओपी राजभर ने वोट जुटाए, कोई वोट वहां से नहीं मिल पाया, क्योंकि ये वोटों की जो राजनीति थी, ओपी राजभर के जो दावे थे वो सारे फेल हो गए, क्योंकि कस्टम की राजनीति वहां पर हुई है। और जितने भी वहां के समुदाय के लोग थे, चाहे उसमें माइनॉरिटी का वोट पड़ा हो, पसमांदा का वोट पड़ा हो, वो सारा का सारा ठीक रहा, वो ओपी राजभर पे फूटने वाला है। और ओपी राजभर को जिस तरीके से आज थी, एक उमंग थी, वो एक तरंग लिए बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं पर वो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी जो कुर्सी है वो भी उनके नीचे से निकलने वाली है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने शिकस्त के साथ में दावे ठोके थे वो अब दावे उनके खोखले नजर आए। देखिए जिस तरीके से घोसी में राजभर के तमाम दावे फेल हुए हैं, लेकिन इसी के साथ अगर टेक्निकली देखें तो सीट वही है, लेकिन प्रत्याशी दारा सिंह चौहान इस बार एनडीए के खेमे में थे और चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं राजभर के साथ साथ दारा सिंह चौहान के भी। देखिए दारा सिंह चौहान के साथ सबसे बड़ी जो खामी रही है वो रही है पार्टी का बदलना। डेढ़ साल पहले वो पार्टी को छोड़ते हैं, फिर पार्टी के अंदर वापसी करते हैं। अगर आप दारा सिंह के इतिहास को उठाया जाए तो 1999 के अंदर में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे, उसके बाद सपा ने उन पर मेहरबानी दिखाई और उनको राज्यसभा भेज दिया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं टिके। उसके बाद जब मंत्री बनने का उनके आसार लगे, मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर खेमा बदला। यही सबसे बड़ी नाराजगी थी कि जिस पार्टी को वो लगातार डेढ़ साल तक कोसते रहे, फिर उसके खेमे में जाने के बाद फिर वहां से जीत हासिल करना और फिर वापस खेमा हासिल आ जाना, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े संकेत यही है कि दारा सिंह जिस तरीके से पार्टी के अंदर फिर बदल करते रहते हैं, इससे लोकल के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां के नाराज थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति भारी पड़ी है दारा सिंह चौहान को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से आगे खबरों में आपको बताएंगे कि संसद भवन में G20 मेहमानों का डिनर होने वाला है, राष्ट्रपति